ये देखो, इसको लगा हम लोग को ये ऑटो से जाना है, तो इसके वजह से ऑटो में आके बैठा है और पापा ऑटो लाने गए, ठीक है, जो ऑटो से जाना है वो। तो यस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो भाई अभी कैसा है ना, ये बैठा है, देखो कैसा, ठीक है, डायरेक्ट बैठा ऊपर जाके ऐसे, और ऐसा ढूंढ रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। तो अभी पापा नहीं आए ना अभी तक, तो देखते हैं अभी अभी क्या कर रहा था। पता है क्या, हम लोग पीछे थे दोनों जन, पापा और मैं, ठीक है, और मल्लर है ना भाई, मल्लर सीधा आगे जा रहा था भाग भाग के, तो भाग भाग के आगे जा रहा था, तो उसको रुकाया मैंने, उसको लगा कि हम लोग आगे चले गए उसको जोड़ के पीछे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं, मतलब साथ में, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पीछे रहे तो हम लोग आगे जाते, तो उसको पता है। ओ इकड़े आगे आगे, ए या उत्तर, खाली खाली, इकड़े इकड़े, इकड़ू नहीं, इकड़ू नहीं, बग इकड़ू नहीं, इकड़े खाली है, खाली है। यस, गुड गुड गाइज, अभी ये सीख गए पता है। ए भाई इकड़े, इकड़ू नहीं, इकड़ू। तो देखा गाइज, जैसे कि आपने बैठे, अभी मिलते सीधा ग्राउंड पे, चेंबूर जा रहे हो। ओके, अभी देखो गाइस, इसको सब कुछ पता है हम लोग किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ओके, इसको ये भी पता है कि चेंबूर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना एक्साइटेड है, हम लोग गाड़ी में बैठे तो फटक से भाग गया है, जैसे आपने देखा कैसे भागा बैठने के लिए वगैरह। ऐसा होता है, मल्लर बहुत एक्साइटेड रहता है सुबह सुबह, अगर किधर जाने का नाम लिया तो, और जो भी ऑटो आ रहा है वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑटो रुका था, उसमें सीधा बैठा था, उसको एक्चुअली आदत हो गई है और उसको पसंद है ऑटो से घूमना। अभी पता नहीं ये ऑटो से इतना घूमता है भाई, कैसा इतना कैसा घूमता है पता नहीं मेरे, ठीक है, ऐसा है, जाने दो, ठीक है, घूमेगा, उसको घुमाना अपना काम है, ठीक है, मतलब वो भी अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा, अलग अलग मतलब साउंड सुनेगा, अलग अलग कुछ मतलब है ना, तो ये जो साउंड है ना, और अलग अलग मतलब पब्लिक में रहते हैं तो उनको समझता है, ठीक है, ऐसा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो भाई मस्त है। उधर अभी कौन से डॉग्स रहेंगे, क्या रहेंगे, मेरे को पता नहीं। अभी मैं पापा के पास में फ़ोन दूंगा, ठीक है, कुछ हुआ गलती से है ना, कौन सा डॉग आया अटैक करने वगैरह, मल्लर वगैरह, मल्लर को मैं लीश रखूँगा, अगर ऑफ लीश किया तो कौन सा डॉग नहीं रहना चाहिए उधर, तो उसको ऑफ लीश करूँगा। हाँ, अगर वो मैक्स नहीं, सॉरी, लियो करके एक लैब है, वो अगर रहेगा उधर तो कोई बात नहीं, उसको मैं ऑफ लीश करूँगा। बट उधर कैसे ना, उधर बहुत से ब्रीड आते हैं जो मल्लर को पसंद भी नहीं है, मतलब कौन सा साइबेरियन हस्की हो गया, ठीक है, ये ब्रीड का मैंने नाम भी लिया ना, तो मल्लर बहुत ये होता है, ठीक है, अलर्ट होता है, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी सीधा ग्राउंड, कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से स्मेल लेने दो, स्मेल लेने दो, है ना, स्मेल लिया ना। तो कितने साल का है आप, वॉकर हो? हाँ, अच्छा अच्छा तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, अपने को पहला डॉग मिला है बीगल, शूट हुआ क्या उसमें? हाँ, तो अपने को पहला डॉग मिला है बीगल, ठीक है, एंड यस, बहुत फ्रेंडली था मल्लार। मल्लार बीगल से मिलते समय कभी भी है ना केयरफुली मिलता है, ठीक है, वो ब्रीड से मिलते समय, क्योंकि वो ब्रीड, वो जो ब्रीड है वो एक ऐसी ब्रीड है कि मतलब इधर भी कुछ भी हो जाए तो ये ना केयरफुली मतलब देखने जाता है, मिलने जाता है, ऐसा है उसका, ठीक है। अभी मेरे को इसको लीश करना पड़ेगा क्योंकि उधर से एक डॉग आया है ना, हाँ मतलब लीश अभी जस्ट निकाला मैंने, हाँ बेटा लीश जस्ट निकाला मैंने, बट कैसा है ना, रिस्क नहीं चाहिए, फ्रेंडली भी रहेगी, बट कैसा है, डॉग्स को लगता है कि अपन कुछ करेंगे, मतलब ये दूसरे डॉग्स करेंगे कुछ तो दिक्कत हो जाएगा। और देखो उधर एक लैब घूम रहा है, अभी जस्ट आया वो लैब,
ठीक है, पता नहीं मेरे को मल्लर कभी मिला है क्या उससे, ठीक है। और इसको अभी घुमाते हैं बस, और ये देखो अभी कैसा सूखने के बाद कैसा बढ़ रहा है। जैसे बैठला नहीं कहते हो दो के जन पूरी बरबर अच्छा रहेगा पता नहीं। तो यस ऐसा मतलब इधर ऐसे डॉग्स आते हैं, ठीक है। और उसका जो फाइट हुआ था वो इधर ही हुआ था, बट कैप्चर नहीं किया था हमने ना, कैप्चर करने के लिए कुछ मतलब था कि भाई ये फाइट कैप्चर करे ऐसा नहीं। फटक से मैंने सॉल्व किया, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर वो फाइट स्टॉप किया मैंने। मल्लर को मैंने पुल किया सिर्फ मल्लर साथ, ऐसा ये डॉग थोड़ा अलग डॉग कौन सा है पता नहीं। और इसको लैब वगैरह पता है कौन सा डॉग कैसा रहेगा पता नहीं, बट कौन सा भी डॉग एग्रेसिव नहीं रहता। तो गाइस अभी देखो उधर ठंडे आकर के पोमेरियन है स्पिट्स डॉग आ चुका है देखो, विदाउट लीश नहीं था ये भी। ये हमारा मल्लर है देखो, और उधर अपना लियो, और वो खंडे देखो कैसा भाग गया। उसका साइड से ओनर आया है, उधर बैठा है, अपने को दिखा नहीं बट ओनर आया उसका। तो गाइस जैसे कि देखो मल्लर को मैंने अभी ऑफ लीश छोड़ दिया है, क्योंकि ये लियो भी उसका फ्रेंड है, और वो उधर पोमेरियन गया ना, अभी गया किधर वो तरफ गए, वो भी उसका फ्रेंड है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वो देखो वैसे ही घूमते रहते हैं लियो, कभी भी किधर भी जाएगा तो ऐसे ही घूमेगा। देखो उधर से पोमेरियन भी आए है ना, तो अभी हम लोग भी थोड़ा बीच में जाते हैं, नहीं तो इधर से कौन सा डॉग्स वगैरह आएंगे तो पता नहीं चलेगा। मल्लर ओके जरा टाक इथे थोडं घेऊन येऊ जरा इथे गवतात सेंटर जरा टाक ना थोडं हा चला लांब टाकतो चला गाइस अभी है ना एक बार फेच करके देखते है। बॉल जो है ना अपना बहुत दूर डालते है, मतलब इधर है ना अपना बहुत दूर है ग्राउंड बड़ा है तो उधर डालते, उधर कैसा लियो भी है ठीक है, उसको भी समझाना तो शायद से वो खेल सकता है इसके साथ ओके। तो हम लोग अभी डालने चाहते, ये देखो इधर सामने है ना सामने, 1 2 3 टिकने है
टायर पैर उसका कुछ हो गया, स्लिप हो गया, क्या हो गया पता नहीं। इकड़े इकड़े अभी देखो, अभी अभी बराबर डालूंगा। देखो क्या होता है गाइस, देख कलर डाको क्या होता है गाइस, है ना, प्रैक्टिस किया सब कुछ अच्छा होता है। बट अभी है ना, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि भगाने के लिए। ओके, ट्रेनिंग वगैरह उसमें ऐड होता है। अभी ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग है, ठीक है। मैं जब डॉग को, कौन सा भी हो, उसको अगर आप भगा रहे हो, ठीक है, और वो बॉल ला के दे रहा हो, वो भी एक ट्रेनिंग है। तो आपके ऊपर है, आपको कैसे चैनलाइज करना है, आपके डॉग को कैसा कंट्रोल करना है। ओके, ये सब मैटर करता है। क्योंकि अभी देखो ये उधर बैठा है, ये बैठता क्यों पता है, इसको है ना नीचे ठंडक ठंडक लगता है, इसके वजह से ये इधर बैठता है। जैसे कि आप अपने अपना जो अपने इधर का ग्राउंड जो है बड़ा, उधर भी आप देख सकते हो, वो भी उधर आराम से चील करता है। ओके, मेरे को अभी इसका एक ना फोटो वीटो खींचने है, क्योंकि अपना जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर डालने के लिए मेरे पास फोटोज़ नहीं है। तो अलग अलग जरा पोज में फ़ोटोज़ खींचेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके तब तक के लिए फॉलो करो @mallar_therottweiler। ओके, फॉलो करो और कमेंट करो अगर आप यूट्यूब के तरफ से आए हो, मतलब यूट्यूब के तरफ से मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख के आए हो और आपको पता नहीं है मल्लार का चैनल है। मल्लार का 60,000 प्लस फॉलोअर्स है। ओके, और ऐसा नहीं कि कुछ फेक फॉलोअर है, सब कुछ अपने जेन्युइन फॉलोअर्स है, ठीक है। अभी इसको मैं इसके लिए फ़ोटो वगैरह खींचते हम लोग। अभी पोमेरियन भी है उधर, देखो, तो वो भी अगर आया फोटो में तो अच्छा है। और ठीक है, मतलब क्यों, देखो आ जाओ इधर, आ जाओ मिलता है। देखो ये सबसे ना फ्रेंड्स फ्रेंडली वे में मिलता है, ठीक है। बहुत से लोग ये ब्रीड को मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टूड कर दे, ठीक है। ये जो क्रिएट हुई है ना पब्लिक में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसके वजह से कैसा है ना, रॉटविलर एग्रेसिव भी है ऐसे भाई। उस दिन आपको सच में झूठ लगेगा, ये इधर थे हम लोग। ओके, ये डरा बिचारा, हम लोग उधर थे, तो उधर से ना ये मल्लार सिर्फ घूम रहा है ऑफ लिश, कुछ नहीं किसी को किया ना, किसी डॉग के ऊपर गया, वो पीछे से लैब्राडोर आया और उसने अटैक किया। ये क्वालिटी ये देखो, ये मल्लार को हमने सिखाया है, बट उसको पता है कि मेरे को डिफेंस कैसा करना है। अगर डिफेंस किया उसको मैंने, मतलब उसने डिफेंस किया है, तो भाई उसको पता है मेरे को चोट लगनी नहीं चाहिए ना सामने वाले को चोट लगनी चाहिए, ठीक है। बट पता नहीं किसी को भी, दोनों में से एक को भी चोट नहीं लगी, क्योंकि वो तो विदाउट लीश था, विदाउट चेन था, सिर्फ गले में एक कॉलर थी जो ट्रेनिंग का कॉलर है वो। और ये देखो इधर आउट है मल्लार, आउट, क्यूक क्यूक आउट, बैक बैक, गुड बॉय। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसके फोटोज वगैरह, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा रहेगा मल्लार खेल रहा था, बहुत अच्छे से खेला है, ठीक है। मैं उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा दौड़ाऊँगा नहीं, मतलब ज़्यादा रनिंग नहीं कराऊँगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं कराऊँगा, क्योंकि भाई इधर हीट इतना चालू है ना, आप देख सकते हो मल्लार का टंग देखो, ठीक है। मल्लार सिर्फ दो ही राउंड भागा है, दो या तीन
तीन से चार राउंड मिनिमम भागा है, ठीक है, दो नहीं भागा है, तीन से चार राउंड भागा है। बट कैसा होता है बताए, डॉग है ना, डॉग को अपने को उसके लिमिट तक ही भगाना है, आपके लिए नहीं भगाना है, ठीक है। मतलब आप भगाओगे तो ऐसा सोचोगे भाई आपका डॉग शांत रहेगा घर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डॉग का एनर्जी फिर से आने के लिए टाइम नहीं लगता है। डॉग को मेंटली ट्रेन करो, फिजिकली ट्रेन करो। फिजिकली क्यों ट्रेन करो, क्योंकि उसको फिट रहने के लिए, ओके। मेंटली ट्रेन करो क्योंकि वो काम रहने के लिए, हर एक सिचुएशन में शांति रहना चाहिए डॉग। ये आपको जब आपका डॉग पपी रहेगा है ना, तो पपी से ही आपको स्टार्ट करना है आपका डॉग को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अभी मेरे को पता है, अभी मैं अगर समझो किसका कौन सा अलग डॉग वगैरह लिया एग्जांपल, ठीक है, अभी देखो मैं इसके साथ बैठा हूँ, ठीक है। बट ये जो बॉल है ना, ये बॉल में मैं सीधा डायरेक्टली हाथ नहीं डाल सकता हूँ। ऐसे बहुत से डॉग है, उसमें आप मतलब कौन से भी ब्रीड के बोल सकते हो, ठीक है, कौन सा भी ब्रीड, एनी काइंड ऑफ ब्रीड, ओके, चाहे रॉटविलर हो गया, चाहे पिटबुल हो गया, लैब्राडोर हो गया, पोमेरियन हो गया, अगर आप उनका ट्रस्ट खोया तो आपका डॉग रिसोर्स गार्डिंग करना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, देखा आपने, एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी है ना, उसके पास कौन सा चीज़ रहेगा तो उसको कभी भी हाथ डाल के लेना नहीं है। जो पपी स्टेज रहता है, धीरे 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 वो रिसोर्स गार्डिंग उनका बढ़ता है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ रीज़न, इसको मैं जिधर ट्रेनिंग के लिए डाला था, थ्री मंथ्स के ऊपर, मतलब वो एक्चुअली रिसोर्स गार्डिंग के वजह से डाला था, हमारे घर पे वो सॉल्व नहीं हो रहा था। बट मेरे को पता नहीं गाइस, ये देखो क्या होता है बताए, ठीक है, अच्छा दिन आते, अभी देखो अभी कुछ करता नहीं है, पहले ऐसे बाजू में भी बैठने नहीं देता था, इतना मतलब डेंजरसली उसका काम था। ये देखो अटैक अभी तक इसने एक बार भी किया नहीं है, एक बार भी अटैक किया नहीं, ना किसी पे किए ह्यूमन पे, ना किसी डॉग पे, ठीक है। हाँ ऐसा भाग के वगैरह गए डॉग के ऊपर, बट कभी अटैक नहीं किया, ना किसी से खून वगैरह निकाला, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो अपना जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग अपना इधर तक ही रहेगा, क्योंकि मैं इधर से अभी घर जाऊँगा तो मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर टाइम अपन ऑटो में बातें करते हैं, बहुत ये करते हैं, और जल्दी से जल्दी कल या फिर आज एक वीडियो शूट करने वाला हूँ चैलेंज का, ठीक है। बट वो चैलेंज सिर्फ मल्लर के लिए, ओके, और अच्छा चैलेंज है, ऐसा नहीं है बुरा चैलेंज है। तो वो वीडियो अगर मैंने आज शूट किया तो कल आएगा, तो आज शूट किया तो कल आएगा ये ब्लॉग के साथ, अगर कल शूट किया तो परसों आएगा, या फिर आज शूट किया तो परसों भी डाल सकता हूँ मैं। परसों वाला ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, नॉर्मली घुमाऊँगा उसको, ठीक है। तो यस, ये ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेक श्योर टू, आपको पता है क्या करना है, ओके, मेक श्योर टू डेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और इधर के जो डॉग्स है बेचारे, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग को भी जाना है, हम लोग भी अभी घर पे जाएंगे। तो आपको बता दे कि आपका जो डॉग है, मतलब मेरा जो डॉग है, आपके सबका डॉग है, ठीक है, क्योंकि आपने ही हमें इतना अच्छे मंजिल पर लेके गए हो, तो आप सबका डॉग है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे को मल्लर से मिलना है, तो भाई मल्लर से मिलने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मेरे को इंस्टाग्राम पे जो इसका आईडी है उस पर एक मैसेज करो कि भाई अपने को मल्लर से मिलना है। अगर आप मुंबई से हो, नियर बाय मुंबई से हो, ठीक है, आप दादर आ सकते हो, आप कुर्ला आ सकते हो, किधर भी कौन से भी जगह पे आप आ सकते हो, आप बिंदास मेरे को मैसेज करो, ठीक है, मैं एक टाइम निकालूंगा और जो भी लोग मिलना चाहते हैं मैं उनके लिए एक स्टोरी डालूंगा इंस्टा पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉलो करो। तो इंस्टा पे स्टोरी डाल के आपको देखना है वो स्टोरी और आ जाना है, ठीक है, मतलब मिलने ही आ जाना है डायरेक्ट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इसको कुछ ये नहीं कर रहे हम लोग, ना किसी को देख के एग्रेसिव होता है, ठीक है, ऐसा सीन है। और अपन है ना एक मतलब चैलेंज कर रहे जो बोला, ठीक है, वो एक अच्छा चैलेंज है, ऐसा मतलब कुछ मल्लर को हार्म नहीं होगा उसके लिए, ये गर्मी में जो होता है हिंट आता रहेगा पता नहीं। और ऐसे कौन कौन से चैलेंज और करूँ मैं, ये वीडियो के कमेंट में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र, अपन अभी जा रहे घर पे, ये मल्लर भी बैठा है इधर, और जो फोटोज़ वगैरह मैंने क्लिक किए वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है, कल या परसों में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड यस, फॉलो कर लेना इंस्टा पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आपके फैमिली के साथ शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जो भी लोग जिसको भी डॉग लेना है, रॉटविलर, पिटबुल, कौन सा भी डॉग हो जाए, ये देखो ये सब एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है, मल्लार, अपना
कौन सा डॉग, मल्लर हो गया, अपना पिटबुल हो गया, मतलब रॉटविलर हो गया, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, जो भी डॉग्स है सब एक ही ब्लड लाइन में आते हैं, एक ही वर्किंग लाइन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉग्स है ना, कैसा रखना है, क्या रखना है, वो भी सीरीज अगर चालू करना है तो मैं कर सकता हूँ चालू, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव सीरीज। तो आप देखो, ठीक है, पैर दे दो अपने व्लॉग को भी, पैर दे दो, जैसे हर रोज वीडियो देखते हो, मेरे को कोई मैटर नहीं करता कि कितने लोग देख रहे हो, आप देख रहे हो तो पूरा देखो स्टार्टिंग से एंड तक, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय। इज्जत, फुल इज्जत, ये मल्लर को भी इज्जत, ठीक है। मल्लर अभी बैठा है इधर, तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी उसका जो टंग था वो नॉर्मल हो गया, तो अभी हम लोग उसको लेके जाने के लिए रेडी है, ओके, बाय बाय सबको, वन साइड, चलो बाय, लाइक करना ज़रूर, ठीक है।